एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चंस देखते हैं जो सिलेंडर पर बेस्ड है. सिलेंडर से रिलेटेड सिलेंडर का वॉल्यूम हमने स्टडी किया है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, हम इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेजल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. वेयर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. हमें इस क्वेश्चन में एक वेजल का डायमेंशन गिवन है, मींस उसका डायमीटर. यहाँ पर हमें किसी एक वेजल के सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है और वेजल का हाइट गिवन है. तो यहाँ पर हाइट एच की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस हमें गिवन है 132 सेंटीमीटर. तो सर्कमफेरेंस की हेल्प से सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे और फिर इस रेडियस को यूज़ करके हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वेजल की कैपेसिटी फाइंड करनी है. कैपेसिटी ऑफ वेजल इज़ नथिंग बट इट्स वॉल्यूम. तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr. तो 2πr यहाँ पर हमें मिल रहा है 132. यहाँ से रेडियस r हमें मिल जाएगा 132 अपॉन 2π. पाई की वैल्यू यहाँ से मैं 22/7 पुट कर देती हूँ. सॉल्व करिएगा. सॉल्व करने से यहाँ पर रेडियस r हमें मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस की वैल्यू हमें मिल गई. अब हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ वेजल. तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर के वेजल सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्म अप्लाई करेंगे एंड दिस इज पाई आर स्क्वेयर एच. ओके, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें मिल रही है 21, ये हो गया 21 स्क्वेयर एंड हाइट हमें गिवन है 25. इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब. हमें इसे लीटर्स में फाइंड करना है और हमें रिलेशन गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब ये इक्वल होगा 34,650 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर्स के. सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 34.65 लीटर्स. तो ये जो वेजल गिवन है, इस वेजल की कैपेसिटी लीटर्स के फॉर्म पर हमें मिल गई 34.65 लीटर्स और यही हमें फाइंड करनी थी. इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम. हमें कोई वुडन पाइप का डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर, और उसकी लेंथ गिवन है. हमें ग्राम्स में उसका वेट फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, जो डायमीटर गिवन है उससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं. मान लेते हैं कि हम आउटर रेडियस को कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहे हैं और ये हमें मिल जाएगा 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर. एंड इसी तरह से हम इनर रेडियस, इसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से. तो ये हमें डायमीटर गिवन है 24, तो रेडियस मिल जाएगा 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें इसकी हाइट गिवन है 35 सेंटीमीटर. हमें इसका वेट फाइंड करना है एंड वेट मतलब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है एंड कैपेसिटी इज इट्स वॉल्यूम. अब वॉल्यूम जब हम लिखते हैं तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर एच और वहाँ पर एच रेडियस को इंडिकेट करता है. पर ये जो पाइप है वो लाइक दिस समथिंग इस तरह से है
इस तरह से मान लीजिए, यहाँ पर ये इसका इनर रेडियस हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आउटर रेडियस हो गया, और ये जो पार्ट है ये पूरा वुड का है, पर ये जो पाइप पार्ट है ये खुला हुआ है, ओपन है। अब हमें वुड का मास पता करना है, तो वुड का मास अगर हमें पता करना है तो इस पार्ट में जहाँ पर कोई वुड ही नहीं है, कोई मास नहीं होगा, मास केवल इतने पार्ट में होगा जहाँ पर वुड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट आउटर वॉल्यूम, या हम कहें आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई आर स्क्वेयर एच। ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है, हाइट तो दोनों की सेम है, तो यहाँ से पाई एच हमें कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में हमें मिल गया आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई इज 22/7, हाइट इज 35, आउटर रेडियस इज 14 एंड इनर रेडियस इज 12। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप करके देखिएगा, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 5720, दिस इज नाउ सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड सेंटीमीटर क्यूब में हमें मिल गया 5720, पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसे ग्राम में फाइंड करना है, एंड हमें रिलेशन गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम के बराबर है तो 5720, ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा 5720 इंटू 0.6। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल जाएगा 3432 ग्राम। अगर हम इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.432 kg। तो ग्राम में ये हमें मिल गया 3432 ग्राम और किलोग्राम्स में ये मिल गया 3.432 kg। तो इस तरह से जिस डायमेंशन के फॉर्म पर हमें फाइंड करना होगा, हम उस फॉर्म पर उसे कन्वर्ट करके अपना आंसर उस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs, अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच। इस क्वेश्चन में हमें 2 containers के डायमेंशन गिवन है, 1 container का शेप क्यूबॉइड शेप का है और 2nd container का शेप सिलेंड्रिकल शेप है। अगर उसमें सॉफ्ट ड्रिंक रखे जाते हैं तो हमें पता करना है कि किस कंटेनर में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएंगे, मतलब किस कंटेनर की कैपेसिटी अधिक है। तो इसके लिए दोनों कंटेनर के वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ टीन कंटेनर जिसका शेप क्यूबॉइड शेप का है, और ये क्यूबॉइड शेप का है मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्वेश्चन में देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 300 cm³। तो कंटेनर वन दैट इज टीन कंटेनर का हमें वॉल्यूम मिल गया। अब सेकेंड में हमें गिवन है सिलेंड्रिकल, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कंटेनर।
तो ये हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि ये सिलेंडर शेप का है, पाई इज 22/7 एंड आर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस इज 7/2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बेस डायमीटर दिया हुआ है, तो बेस डायमीटर को सबसे पहले हम रेडियस के फॉर्म पे चेंज कर लेंगे, तो रेडियस हमें मिल जाएगा 7/2। और हाइट, हाइट इस केस में हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंटेनर वन जिसका शेप क्यूबॉइड शेप का है उसकी कैपेसिटी है 300 सेंटीमीटर क्यूब, एंड कंटेनर टू जिसके शेप सिलेंड्रिकल शेप है उसकी कैपेसिटी है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ये 300 है, ये 385 है, तो प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। तो ये 385 - 300 दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, मींस वॉल्यूम, या हम इसे कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज मोर। सिलेंड्रिकल कंटेनर की कैपेसिटी अधिक है, एंड 85 सेंटीमीटर क्यूब ये तीन कंटेनर से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से इसे करेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड इट्स वॉल्यूम। किसी सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh, ये हमें मालूम है, और ये क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 94.2, और इस सिलेंडर की हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस हमें मिल जाएगा। तो रेडियस हमें मिल जाएगा 94.2 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22 × 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हमें इस तरह से मिल गया, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें रेडियस फाइंड करनी थी, तो इस तरह से रेडियस 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली। अब सेकेंड केस में हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम, तो अगर हमें रेडियस मालूम है एंड हाइट मालूम है तो वॉल्यूम हम आसानी से कर सकते हैं। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस इज 3, तो ये हो गया 3 स्क्वेयर एंड हाइट इज 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और यही वॉल्यूम हमें इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में फाइंड करनी थी, तो इस तरह से इसे हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल 10 मीटर डीप इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट रेट 20 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, देन फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेजल, सेकेंड इज रेडियस ऑफ द वेस रेडियस ऑफ द बेस एंड थर्ड इज कैपेसिटी ऑफ द वेजल। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी इनर सिलेंड्रिकल वेजल के अगर इनर पार्ट को, इनर कर्व्ड सरफेस को पेंट किया जाता है, तो इस पेंट करने की कंडीशन में जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट 2200
आता है, जबकि कॉस्ट का चार्ज किस तरह से है, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर में पेंट करने का चार्ज 20 रुपीज़ है और टोटल चार्ज कितना है, 2200 रुपीज़। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंट इन 1 मीटर स्क्वेयर। ओके, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 2200 और 1 मीटर स्क्वेयर में पेंट करने का चार्ज है 20 रुपीज़। तो ये हमें मिल गया 110 रुपीज़, सॉरी दिस इज 110 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का हमें कितना मिल गया, 110 मीटर स्क्वेयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल गया जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट में हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। तो ये हमें मिल गया 110। रेडियस हमें फाइंड करनी है और हाइट। क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इस वेजल की हाइट हमें गिवन है 10 मीटर। तो हाइट की वैल्यू पुट करते हैं तो रेडियस हमें मिल जाएगा 110 अपॉन 2πh। ट्रांसफ़र करने से दिस इज़ 110 अपॉन 2 × 22/7, हाइट इज़ 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा 1.75 मीटर। सॉल्व करके देखिएगा, रेडियस हमें मिल गया 1.75 मीटर। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कर्व सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट हो गया रेडियस। अब थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करनी है इसकी वॉल्यूम। तो थर्ड पार्ट में हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई इज 22/7, रेडियस हमने फाइंड की है 1.75, तो ये हो गया 1.75 स्क्वेयर, एंड हाइट क्वेश्चन में गिवन है 10। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 96.25 मीटर क्यूब। ओके, दिस इज़ दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल, 96.25 मीटर क्यूब। आप अपने NCERT का जो आंसर शीट है उसमें देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमें किलो लीटर के फॉर्म पे दिया हुआ है, एंड ये हमें गिवन है 96.25 किलो लीटर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमें कन्वर्जन अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिलता है 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब, दिस इज क्यूब, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर है। तो 96.25 मीटर क्यूब, ये 96.25 किलो लीटर के बराबर होगा, और हमारे बुक में आंसर इस फॉर्म पे दिया हुआ है 96.25 किलो लीटर। तो उसे कंफ्यूज़ नहीं होना है। ओके, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। यहाँ पर किसी सिलेंड्रिकल वेजल की कैपेसिटी हमें गिवन है और उसकी हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। कैपेसिटी अगर हम कहें तो कैपेसिटी इज़ नथिंग बट वॉल्यूम, तो कैपेसिटी कहें या हम इसे वॉल्यूम कहें, ये हमें गिवन है 15.4 लीटर, और जो इसका हाइट है, हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, हाइट h इज़ 1 मीटर। तो हाइट मीटर के फॉर्म पे दिया हुआ है, कैपेसिटी लीटर्स के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटी को भी मीटर के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट 1000 लीटर
इज इक्वल टू 1 meter cube. ओके, तो 1000 liter 1 meter cube के बराबर है, तो 15.4 liters. इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/1000 इंटू 15.4. यूनिटरी मैथड से इसे कर रहे हैं, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.0154 meter cube. तो हमें मीटर्स के फॉर्म पे इसका वॉल्यूम मिल गया 0.0154 meter cube. हाइट हमें गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये हमें मिल गया 0.0154. पाई 22/7, आर फाइंड करनी है, हाइट इज 1, तो ये मिल गया 0.0154. तो यहाँ से आर स्क्वेयर हमें मिल जाएगा 0.0154 × 7/22. जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.0049. ठीक है, तो 0.0049 इनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मिल रहा है. तो जब स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगा 0.07 meter. ठीक है, रेडियस हमें मिल गया 0.07 meter. अब रेडियस हमें मिल गया, हमें हाइट मालूम है, हमें फाइंड करनी है कि अगर उस सिलेंड्रिकल वेजल में कितना स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर शीट लगेंगे, मतलब हमें उसके टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेजल है. क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेजल में उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी आता है, टॉप एंड बॉटम के पार्ट भी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करने के लिए, कितना स्क्वेयर शीट उसमें लगेगा. तो अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्म बताइए, ये हमें मिलता है 2πr (r+h). ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं. 2π is 22/7, रेडियस हमें मिला है 0.07, एंड अगेन 0.07 + 1. ठीक है, यहाँ से इस 7 से कैंसिल करेंगे तो ये मिल गया 2 × 22 × 0.01, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल गया 1.07. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 0.4708. इसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया 0.4708 meter square. तो 0.4708 meter square शीट रिक्वायर्ड होगा उस सिलेंड्रिकल वेजल को बनाने के लिए. ठीक है, और यही हमें फाइंड करनी थी. इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर. द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm. If the length of pencil is 14 centimeter, find its volume, find the volume of wood and that of graphite. हमें आपने सिले पेंसिल देखा होगा. पेंसिल किस तरह का होता है कि उसमें इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में एक ग्रेफाइट की लीड होती है, और इस लीड को कवर किए हुए एक वुड का सिलेंड्रिकल वुड इस तरह से होता है. ठीक है, और हमें गिवन है कि ये इस तरह से एक पेंसिल हमें मिल रही है, और हमें ग्रेफाइट का डायमीटर अलग से दिया हुआ है, वुड का डायमीटर अलग से दिया हुआ है. तो अगर हम यहाँ से और इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है, हाइट इज 14 centimeter. तो हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, और वुड के एंड
ग्रेफाइट के डायमेंशन हमें गिवन है। तो अगर हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल है मींस यहाँ सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक का रेडियस, तो ये हमें मिल जाएगा डायमीटर बाय 2। और पेंसिल का डायमीटर हमें गिवन है 7 mm, तो ये हो जाएगा 7/2 mm। पर इसकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7/2 mm को हम लिख सकते हैं 0.7/2 cm, क्योंकि हमें मालूम है 10 mm इज इक्वल टू 1 cm, तो 7 mm कितना हो जाएगा 0.7/2 cm। ओके, इसी तरह से हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ये हमें गिवन है 1 mm, तो ये हो जाए डायमीटर गिवन है 1 mm, तो रेडियस मिल जाएगा 1/2 mm, या हम इसे लिख सकते हैं 0.1/2 cm। ओके, सेंटीमीटर के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें गिवन है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वुड का एंड वॉल्यूम फाइंड करना है ग्रेफाइट का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ग्रेफाइट है, तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे ग्रेफाइट का, तो सिंपल हम ग्रेफाइट के लिए जो रेडियस है और इसकी हाइट है उससे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ये सिलेंडर है इसलिए हमने पाई आर स्क्वेयर एच लगाया, आर कौन सा लेंगे ग्रेफाइट के लिए, तो ये हो गया 22/7 इंटू 0.1/2 होल स्क्वेयर, हाइट इज 14। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 0.11 cm³। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमें मिल गया 0.11 cm³। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मिल गया। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड, पर यहाँ पे हमें ध्यान देना है वुड का वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं इसे एक अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमें वुड का एरिया मिल रहा है, यहाँ पर वुड है, सेंटर में तो वुड नहीं है क्योंकि सेंटर में ग्रेफाइट है। तो अगर हमें वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम अगर टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं पेंसिल का रेडियस कंसीडर करके, तो उस कंडीशन पर उस वॉल्यूम में ये ग्रेफाइट भी ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो पेंसिल का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ पर आर पेंसिल के लिए हम लेंगे, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, आर कौन सा है ग्रेफाइट का रेडियस। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई एंड एच तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया पाई, एच इज 14, और ब्रैकेट में हमें मिल गया आर स्क्वेयर, तो दिस इज 0.7/2 स्क्वेयर माइनस 0.1/2 स्क्वेयर, ये इस तरह से हमें मिल रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से ये 7 से ये 14 कैंसिल हो गया, 22 × 2 = 44, और इसे सॉल्व करिएगा। तो जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म पर रिड्यूस कर सकते हैं, दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए की प्लेस पे क्या है 0.7/2, बी की प्लेस पर है 0.1/2, तो जब वन टाइम ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.8/2, दैट इज 0.4। इसी तरह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.6/2, दैट इज 0.3। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल जाएगा 5.28 cm³।
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड. ठीक है, तो यहाँ पर यही हमें ध्यान देना है. अगर हमने पेंसिल का रेडियस लिया और वॉल्यूम फाइंड कर दिया तो वो हमें पेंसिल का वॉल्यूम मिलेगा जिसमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी ऐड होगा. और अगर हमें केवल वुड का वॉल्यूम चाहिए तो हमें इस तरह से ग्रेफाइट का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए. 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल. इफ द डायमीटर ऑफ बाउल इज 7 सेंटीमीटर एंड बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी बाउल का शेप सिलेंडर है और उस बाउल में किस हाइट तक सूप भरा जाता है. वन पेशेंट को जो सूप, अगर वन पेशेंट को उस हाइट तक एक सिलेंड्रिकल बाउल में भर कर सूप दिया जाता है तो 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनाना होगा, कितने लीटर्स सूप बनाने होंगे. तो इसके लिए हम पहले वन पेशेंट को कितना सूप दिया जाता है वो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर टोटल 250 से मल्टीप्लाई करके 250 पेशेंट्स के लिए फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो हाइट 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो अगर हम फाइंड करेंगे रेडियस तो रेडियस हमें मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम मिल जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, रेडियस 7/2 एंड हाइट है 4. तो इसे सॉल्व करिए. सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम मिल गया सूप का जो वन पेशेंट को दिया जाता है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट, दिस इज 154 सेंटीमीटर क्यूब. सो फॉर 250 पेशेंट्स ये हमें मिल जाएगा 154 into 250. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और अगर हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट करें तो हमें मालूम है 1,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. अगर 1,000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, 38,500 divided by 1,000, दैट इज 38.5 लीटर. मतलब उस हॉस्पिटल में 250 पेशेंट्स के लिए 38.5 लीटर सूप बनाने होंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.7 सॉल्व करेंगे जिस पर कौन से बेस्ड क्वेश्चन हमें गिवन होंगे.